नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर में कई जगह पर सिंथेटिक दूध का निर्माण कर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जिसकी जानकारी लगते ही प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर दूध बरामद करते हुए नष्ट किया। शहर के रिहायशी इलाके में अवैध रूप से दूध का निर्माण कर बेचने की सूचना प्रशासन को मिल रही थी, जिसके आधार पर जगदीश कॉलोनी में ममता डेयरी के गोदाम पर 12 सदस्यीय टीम द्वारा छापामारी की गई, जिसमें दूध, दही, पनीर, घी आदि अवैध रूप से निर्मित किया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया है। उक्त दुकान से घरेलू उपयोग में लाने वाले 7 सिलेंडरों को भी जब्त किया गया है। वहीं टीम ने बिना अनुमति के निर्मित किए जा रहे सभी प्रोडक्ट के सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। अभी पूर्व में मुख्य सचिव महोदय द्वारा वीसी ली गई थी, जिसमें हमको निर्देशित किया गया था कि ऐसी कई जगह हैं जहां पर नकली दूध, दही, घी आदि बनने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो इस संबंध में आज कार्रवाई की गई है। 6 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पीछे दुकान है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पर बिना अनुमति के, बिना किसी लाइसेंस के दूध, दही, घी आदि का निर्माण किया जा रहा था। ये जगह बिना कमर्शियल लाइसेंस को प्राप्त किए यहाँ पे इसका कमर्शियल यूज़ किया जा रहा था। जैसे आप देख सकते हैं, आसपास पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। इनके द्वारा घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ टेस्ट करवाए गए तो प्रथम दृष्टया इनमें यूरिया आदि पाने का पुष्टि हुई है। इस संबंध में यहाँ से जो दूध जब्त किया गया है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। फास्ट समाचार के लिए सचिन रघुवंशी की रिपोर्ट।